हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जांपल नंबर 11.7। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। व्हाट इज द डी ब्रॉयली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट्स। हमें कैलकुलेट करना है डी ब्रॉयली वेवलेंथ किसका, इलेक्ट्रॉन का, जो कि एक्सेलरेट किया जा रहा है थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, तो v हमें दिया जा रहा है और हमें कैलकुलेट करना है डी ब्रॉयली वेवलेंथ। जैसा कि मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जांपल्स में बताया कि डी ब्रॉयली वेवलेंथ का एक फॉर्मूला हमें याद नहीं करना है, हमें चार पांच जितने फॉर्मेट हैं उसके वो सारे टर्म्स में उसका फॉर्मूला लर्न करना है। उनमें से एक फॉर्मूला है जो पोटेंशियल डिफरेंस को रिलेट करता है विद डी ब्रॉयली वेवलेंथ, उसको हम यहाँ यूज करेंगे। डी ब्रॉयली वेवलेंथ होता है h अपॉन रूट 2mEV। ये जो फॉर्मूला है ये कहाँ से आया, P किससे रिलेट करता है, P रिलेट करता है काइनेटिक एनर्जी से, तो रूट 2mK। जब एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है V पोटेंशियल डिफरेंस से तो काइनेटिक एनर्जी हो जाती है E इंटू वी, वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन के इक्वल। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हम लेंगे वो क्या लेंगे, ईबी। बट जब हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लैंक्स कांस्टेंट सब वैल्यूज पुट कर देंगे, मतलब एच अपॉन रूट टू एम ई ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम। आई होप आपने ये थ्योरी में भी किया है, बट ये इलेक्ट्रॉन के लिए ही फॉर्मूला यूज करना है सिर्फ, अदरवाइज कोई और पार्टिकल है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं डी ब्रॉयली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा ई इज इक्वल टू 12.27 इंटू 10^-10 डिवाइडेड बाय रूट वी, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ये याद रखना है। और किसी पार्टिकल के लिए ये फॉर्मूला यूज नहीं करना आपको। पुटिंग वैल्यूज ऑफ वी, वी की वैल्यू पुट की, वी कितना दिया हुआ है 100 वोल्ट, सिंपली 100 वोल्ट पुट किया, रूट लिया तो ये 10 हो जाएगा, 10 को ऊपर ले गए तो ये हो गया 10^-11। 10^-9 लिखने के लिए डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया, 0.1227 इंटू 10^-9। ये जस्ट बुक के आंसर से मैच करने के लिए मैंने ऐसा राइट किया है, अदरवाइज आप ऐसे भी राइट करके छोड़ सकते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 0.123 नैनोमीटर। नैनो किस जगह पर आया, 10^-9 की जगह पर। तो डी ब्रॉयली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0.123 नैनोमीटर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट फॉर्मूला क्लिक करना चाहिए आपको। अगर आप पेपर में ये कैलकुलेशन करने बैठ गए HME की, तो ये जो क्वेश्चन है ये सॉल्व होने में बहुत टाइम कंज्यूम कर लेगा, तो इसलिए आपको इलेक्ट्रॉन के केस में ये फॉर्मूला डी ब्रॉयली वेवलेंथ का लर्न करके रखना है, 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय रूट वी। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।